और इजहार खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। इजहार, हम तस्वीरों में देख रहे हैं विरोध का आलम क्या है, काफी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं और विरोध कर रहे हैं, कुछ खास सीटों को लेकर इनका विरोध ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए जब से कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई है तब से लगातार विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। और इसकी शुरुआत पहले उन विधानसभाओं में हुई जहां पर टिकट जो वितरण हुआ है उसका विरोध हुआ, उसके बाद फिर ये जो सिलसिला था ये अपने विधानसभा से अपने ज़िले से निकलता हुआ राजधानी भोपाल तक पहुँच गया। और राजधानी भोपाल में आए दिन जिस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, कहीं जो है जो नाराज़ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, कहीं मुंडन कराए जा रहे हैं, कहीं कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, पंगत लगाकर खाना खिलाया जा रहा है और हंगामा प्रदर्शन हो रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इन दोनों जो है विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल जो कांग्रेस है उसमें काफ़ी विरोध दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो बड़नगर की, यहाँ से जो सिटिंग MLA हैं उनका टिकट काट दिया गया है, जिसके चलते जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो बेहद नाराज़ हैं। उन्होंने जो है रविवार को कमलनाथ के बंगले के बाहर घंटों प्रदर्शन किया और रात तक वो जमे रहे, उन्होंने टायर जलाया। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की बैरसिया विधानसभा की, तो बैरसिया विधानसभा से राम भाई मेहर 4 बार से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनका 4थी बार टिकट काटकर ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया जो पिछला चुनाव 13,000 से हारी थी, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के साथ शुक्रवार को पहुंचे। उन्होंने उनके कई समर्थकों ने मुंडन कराया, अपने कपड़े फाड़े और हनुमान भक्त कमलनाथ के बंगले के गेट पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शनिवार को योगेंद्र सिंह बंटी बना, जो कि शुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनका टिकट काटकर वहां से राम वीर सिंह सिकरवार को दे दिया गया। उनसे उनके जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, वो नाराज होकर शनिवार को भोपाल पहुंचे और उन्होंने जमकर बवाल काटा। उसके बाद आज सोमवार को भी वो लोग पहुंचे, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग की जा रही है कि टिकट चेंज किया जाए। इसके अलावा निवाड़ी विधानसभा से जो है कांग्रेस ने अमित राय को टिकट दिया है, अमित राय को लेकर वहां के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं में जो कांग्रेस के हैं उनमें रोष है। उनका कहना है कि अमित राय एक भूमाफिया है, वो उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं, उसको टिकट दिया गया, जिसके विरोध में रोशनी यादव जो पिछले दिनों कांग्रेस में शामिल हुई थी वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल पहुंची। उन्होंने कहा जो B1 श्यामला हिल्स पे कमल दिग्विजय सिंह का बंगला है वहां पहुंचकर दिग्विजय सिंह से मुलाकात की, सुरजेवाला से मुलाकात की और अपनी नाराजगी जताई। उसके अलावा जो रजनीश पटेरिया हैं, जो वो भी निवाड़ी से टिकट मांग रहे थे, वो अपने उनके समर्थक PCC पहुंचे और उनके एक समर्थक ने जो है शीर्षासन किया और काफी देर तक वो सर के बल पर जमीन पर खड़ा रहा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल है। जावरा की बात करें, जावरा हो, आलोट हो, खंडवा हो, बेरसिया हो, बड़नगर हो, सुहागपुर हो, शुजालपुर हो, तो इन सीटों पर ज्यादा विरोध और बवाल देखने को मिल रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले कमलनाथ के बंगले पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई है और माना जा रहा है कि उसमें करीब 10 सीटों पर पुनर्विचार किया गया है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर शुजालपुर के भी हमारे साथ साजिद भी जुड़ गए हैं, साजिद खान रतलाम से ज्यादा जानकारी के साथ। साजिद, हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर किस तरीके का विरोध देखा जा रहा है, क्योंकि काफी हंगामा है दूसरी सूची के बाद और अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं जो उम्मीदवार टिकट के प्रबल दावेदार हैं। बिल्कुल ज्योति, रतलाम के जो 5 विधानसभाएं हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें रतलाम ग्रामीण और जावरा विधानसभाओं को लेकर के काफी कांग्रेस में जो है विरोध नजर आ रहा है। जो कैंडिडेट्स जो टिकट जो फाइनल किए हैं कांग्रेस ने, वहां पर जो है लोग के नेता नाखुश है। अगर मैं आपसे बताऊं कि रतलाम ग्रामीण में जो है वो लक्ष्मण डिंडोर को जो है टिकट दिया गया, लेकिन उसके बाद से रतलाम ग्रामीण में काफी जो है खासी नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं में, स्थानीय नेताओं में देखने के लिए मिली थी। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, पुतले जलाए हैं, यहाँ तक कि लोगों ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनका यह भी कहना था कि अगर वो आए तो फिर वो जाएंगे या तो फिर ऊपर चले जाएंगे। बहरहाल जो अभी जो है वो जावरा विधानसभा के जो लोग हैं, जो नेता हैं वहाँ के, DP धाकड़ हैं, राजेश भरावा हैं और अन्य भी कई लोग जो है वहाँ पर कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हैं। जो टिकट जो दिया गया है जावरा में हिम्मत श्रीमाल को, उसको लेकर के पूरा विरोध है। इससे पहले भी जैसे ही टिकट फाइनल हुआ था,
जैसे ही टिकट फाइनल होता है वैसे ही वहां पर जो है सड़कों पे लोग उतर आए थे, हाईवे जाम कर दिया गया था जावरे का, वहां पे पुतला दहन हुआ था। और आलोट में भी कुछ इसी तरह का विरोध नजर आ रहा है, पूर्व सांसद वहां से टिकट की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी जो है वो निर्दलीय पर्चा भरे। जी साजिद, देखिए जब टिकटों का जब पहले कई मीटिंगों का दौर चला था सूची जारी करने से पहले, बहुत स्क्रूटनी की गई थी, बकायदा रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय हुआ था, जिताऊ कैंडिडेट्स के नामों पर विचार हुआ था, क्योंकि तवज्जो पार्टी की ये रहती है उन कैंडिडेट्स के लिए कि जो उनकी पार्टी को जिताएं, जो सीटें निकाल ले ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे में क्या लगता है, चूक कहाँ हुई, क्यों इतना विरोध सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद और सूची आने के बाद हो रहा है? देखिए जो रतलाम ग्रामीण की अगर मैं आपसे बात करूं तो रतलाम के जो ग्रामीण की जो सीट है, लक्ष्मण डिंडोर जो है वो बाहरी उम्मीदवार हैं, बाहर के हैं, रतलाम के नहीं है। पूर्व में जो है ये शासकीय अधिकारी रहे हैं, यहाँ पर रतलाम में जनपद सीईओ रहे हैं, और उनका जो है विवाद हो गया था उस समय, जो हाल ही में टिकट जो दिया गया है बीजेपी के ग्रामीण को लेकर के उनसे विवाद हुआ था, तस्वीरें वायरल होने के बाद जो है उनका यहाँ से तबादला हो गया था। हाल में ही उनको उन्होंने अपना जो है वो इस्तीफा दिया था, लेकिन वो किसी का मामलों में अटक गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने जो है उसको करते हुए और उसके बाद इनका जो है टिकट फाइनल हुआ, जिसको लेकर के ग्रामीण में नाराजगी है। अगर बात जो है मैं जावरा विधानसभा की करूँ तो वहाँ पर जो है पहले से दो तीन कैंडिडेट जो थे, जो मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे थे, जो लड़ सकते थे चुनाव, कांग्रेस का ऐसा जो कार्यकर्ताओं का कहना है, लेकिन अचानक से जो है वो हिम्मत श्रीमाल का नाम सामने आ गया, जिसको लेकर के कांग्रेस के खुद लोग जो है वो चौंक गए और अब उसका विरोध वो कर रहे हैं बराबर। और इसका कहीं ना कहीं देखिए मैं बताऊं आपको कि नुकसान जरूर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण में जो है वो कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने साफ ना कर दिया है कि हम इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। वहीं जावरा की स्थिति भी यही है कि वो भी यही कह रहे हैं कि हम जो है इनका सपोर्ट नहीं करेंगे अगर टिकट नहीं बदला जाता। और उसी को लेकर के आज जो है करीब बताया जा रहा है कि 500 से 700 लोग जो हैं वो भोपाल में कमलनाथ के बंगले पहुंचे हैं, और फिलहाल अभी जो है तीन चार नेता हैं उनसे कमलनाथ की बात हो रही है। साजिद आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ देव श्री मल्ली भी हमारे सीनियर सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देव, देखा जा रहा है जिस तरीके से विरोध हो रहा है दूसरी सूची के बाद जगह जगह, एक बड़े तबके ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि सपोर्ट नहीं किया जाएगा कुछ सीटों पर, कुछ कैंडिडेट्स को पुनर्विचार की बातचीत हो रही है। अब देखिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है मतदान की तारीख में, तो ऐसे में पार्टी अंदर के इस विरोध को कैसे शांत करेगी, क्योंकि पार्टी की अब तो ज्यादा कोशिश यही होगी इस टाइम पे जो वक्त है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के बीच में जाया जाए, वोटिंग की अपील लोगों से की जाए। ऐसे में पार्टी के अंदर इस तरीके की कलह, कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो सकती है आगे। बिल्कुल ज्योति, ये दिक्कत तो पैदा हो रही है और बड़ी तेजी के साथ हो रही है और लगभग 40 सीटों पर हो रही है, लेकिन अभी कुछ सीटों पर तो अब मना लिया गया है, मना लिया जाएगा ऐसा लग रहा है। कई जगह पर जैसे मुरैना में जो उम्मीदवार हो सकते थे वो लोग दूसरी पार्टियों में जाने के लिए विचार कर रहे हैं या जिनसे बात चल रही थी वो चले ही गए हैं। लेकिन हम अगर देखेंगे कि अभी 6-7 सीटें ऐसी पड़ी हुई हैं जिन पर विरोध अब भोपाल से लेकर के और पूरे मध्य प्रदेश तक में हो रहा है, जैसे सुजालपुर है, जावरा है, सुहागपुर है, बड़नगर है, निवाड़ी है, महू है, तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी संकट में फंस, भारतीय जनता पार्टी के जाल में एक तरह से कांग्रेस फंस गई है, और वहाँ कुछ कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं और वो इस आक्रामकता के साथ उतरे हुए हैं कि अगर कांग्रेस ने तत्काल इसमें डैमेज कंट्रोल नहीं किया, या तो वो टिकट बदले या इन लोगों को मनाए, मनाने की संभावना कम से कम जो नाम मैंने बताया ज्योति उन पर तो संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उनको पुनर्विचार करना पड़ेगा। हालांकि पुनर्विचार भी इस समय कुआ और खाई की स्थिति है, क्योंकि जिसको टिकट दिया जाता है और फिर काटा जाता है उसका भी अपना एक समूह होता है, इसकी एक लॉबी होती है, और उस लॉबी के जरिए वो लोग विरोध में आ जाते हैं, तो एक एक एक, एक भंवर में कांग्रेस फंस गई। जी जो जी, तो भंवर में एक तरीके से कांग्रेस फंस गई है। तो देव जी, इस भंवर से निकलने का क्या लगता है आपको, जल्द ही कोई समाधान निकाल लिया जाएगा भंवर से निकलने का, या फिर और ज्यादा गहराई में जाता जाएगा, क्योंकि हालात अभी लग नहीं रहे हैं कि स्थिति जल्दी शांत होगी? बचा है क्योंकि अब जो है नामांकन आज भरे जा रहे हैं, इसके बाद फिर कल की छुट्टी है, फिर दो दिन की छुट्टी के बाद फिर भरे जाएंगे, और 2 तारीख अब चुनाव जहां जहां ये तक चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है,
तो जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं उन लोगों ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया होगा, तो उनको भी उनका उनका टिकट काटा जाता है, तो उनकी भी जगह सही होगी, ज्यादातर जगह पे वो लोग भी आक्रामक स्थिति में आ सकते हैं। तो कांग्रेस को जल्दी से अपने डैमेज कंट्रोल टीम को लाना पड़ेगा और अपने जो निर्णय है उन पर पुनर्विचार अगर करने की जरूरत है तो पुनर्विचार भी करना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास सिर्फ 36 घंटे का समय। जी, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ इजहार खान भी हमारे साथ हैं। इजहार, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मीटिंग वहां पर चल रही है, दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है मीटिंग में, क्या लगता है, क्या कोई खबर अंदर से आई मीटिंग, क्योंकि काफी देर हो चुका है मीटिंग शुरू हुए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें डैमेज कंट्रोल की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल में जुट गई है और इसमें दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो दोनों नेता जो है लगातार असंतुष्ट जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। टिकट के दावेदार जिनके टिकट नहीं दिया गया है, जिनका टिकट काट दिया गया है, उनको बुलाकर सिंगल सिंगल चर्चा की जा रही है और पिछले दो दिन से ये दौर लगातार जारी है। आज भी जो जावरा के लोग थे वो और जो शुजालपुर के लोग थे वो, उनको कमलनाथ के बंगले में बुलाया गया, चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, जिनमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उनसे बात की और जब वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी और अंदर से बाहर निकलने के बाद वो अपने जो कार्यकर्ता थे उनको लेकर यहां से रवाना हो गए। तो पिछले दो दिन से जो कांग्रेस है उसने अपना पार्ट टू स्टार्ट कर दिया है। अगर हम कर्नाटक पैटर्न की बात करें तो कर्नाटक में भी यही फार्मूला अपनाया गया था, पहले टिकट वितरण था, उसके बाद डैमेज कंट्रोल पर काम किया गया था, जो नाराज नेता थे जिनको जिनका टिकट कट गया था, जिनको टिकट नहीं दिया गया था, उनको मैनेज करने के लिए जो निगम है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा और देने की बात की गई थी, जिस और उनको मना लिया गया था, जिसके बाद कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार बन गई थी। यही पैटर्न मध्य प्रदेश में भी शुरू किया जा रहा है, लगातार दिग्विजय सिंह और रणदीप सिंह सुरजेवाला नाराज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी आई है, जो हमको एक प्रत्याशी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया है, उनसे कहा गया है कि किसी वजह से हम आपको टिकट नहीं दे पाए, लेकिन आप कांग्रेस में बने रहिए, कांग्रेस का साथ दीजिए, अगर सरकार बनती है तो आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, लगातार जो भी प्रदेश से नेता आ रहे हैं, नाराज कार्यकर्ता आ रहे हैं भोपाल, उनसे दिग्विजय सिंह मुलाकात कर रहे हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि नाम वापसी से पहले पहले वो जितने भी नाराज हैं उनमें से ज्यादातर को मना लेगी। वहीं अब ये पुनर्विचार की बात भी चल रही है तो माना जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी को बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात निर्मित हैं, जिस तरह से लोग आक्रोशित हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैरिज नहीं होंगे, ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सिर्फ टिकट पर ही मानने वाले हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस अपना टिकट भी बदल सकती है, हालांकि उसका जो डैमेज कंट्रोल सिस्टम है वो लगातार जारी है और उसको उम्मीद है कि जल्द ही वो डैमेज कर लेगी। जी जी, साजिद भी हमारे संवाददाता रतलाम से हमारे साथ बने हैं। साजिद, जिस तरीके से हमें विरोध देखने को मिल रहा है, निवाड़ी सीट की अगर हम बात करें, यहाँ पर खासा विरोध देखने को मिल रहा है और इसके जो टिकट के दावेदार हैं उन्होंने बताया जा रहा है कि कुछ देर पहले बात भी मुलाकात भी थी की थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से, क्या लगता है, क्योंकि ये भी बहुत से नाराज कैंडिडेट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दूसरी पार्टी का रुख करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसा कि अभी इजहार कह रहे थे कि ऐसा भी भरोसा बहुत से लोगों को दिया जा रहा है कि आपको किसी ऐसे औहदे पर कुछ वक्त के बाद बिठा दिया जाएगा, तो इस तरीके से भी उनको समझाने की, उनको शांत करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, या वो इजहार को मैं अभी सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि वो दिग्विजय सिंह के बंगले से जो है रतलाम जावरा वाले जो लोग हैं, जो नाराज नेता है, वो निकले हैं, पर ठीक है, मुस्कुराहट थी। लेकिन ज्योति, इसका जो है वो निदान इनको पार्टी को बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जो जावरा के वीरेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, हालांकि ऐसा बताया जाता है कि वो दिग्विजय सिंह के ज्यादा करीबी भी वो माने जाते हैं। टीपी धाकड़ भी वहां पर हैं। तो जिस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस चीज को इन्होंने जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया तो विरोध तो बिल्कुल साफ होगा ही होगा, और जो अंतर्कलह जो अब जो खुल के सामने आ गया है उससे पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, चुनाव में जो है वो स्थितियां कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। जी जी, देवश्री मल्ली हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। देव, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है,
साफ तौर पर बीजेपी पार्टी को और सवाल उठाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ वक्त पहले ही कई ऐसे मामले और ऐसे काम सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें कपड़े फाड़ने वाले बयान हो, बात हो, या फिर कुछ और ऐसे मामले, जिसको लेकर तमाम तरीके से सवालों के घेरे में रही है कांग्रेस बीजेपी के। ज्योति, ये चुनाव के समय सभी होता है, सभी दलों में विरोध होता है, लेकिन इस बार जो है ना टिकट चयन को लेकर कुछ तमाम सारी बातें कही जा रही थी। कांग्रेस भी कह रही थी हमने बहुत सारे सर्वे करवाए हैं, बीजेपी भी कह रही थी हमने बहुत सारे सर्वे करवाए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम देखें, और ये विरोध जिसमें चाहे वो जतारा का मामला हो, निवाड़ी का मामला हो, सुजालपुर का मामला हो, जहां रामवीर सिकरवार उम्मीदवार थे, पूरी ताकत से लगे हुए थे, उनको टिकट दे दिया गया और कहा जा रहा है कि रामवीर सिकरवार को टिकट दिया गया, वो तो शराब के ठेकेदार हैं, और यहाँ योगेंद्र सिंह बंटी जो है लगातार प्रयास कर रहे थे। इसी तरह से निवाड़ी का मामला अगर हम देख लेंगे तो निवाड़ी में भी यही देखने को मिल रहा है, अगर सुजालपुर में देखेंगे तो। ये जो है ना, ये सारी बातें अब कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि झूठी हैं, कि आप सर्वे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि जो आया कभी एक दिन पहले आया उसको टिकट दे दिया। तो ये अभी कांग्रेस जो है अति उत्साह में थी, और अब उसको अगर ये टिकटों पर वो जल्दी से डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माहौल इससे केवल एक सीट का नहीं होता, माहौल पूरे जातियों का खराब होता है, समीकरण बिगड़ते हैं, सोशल इंजीनियरिंग खराब होती है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। आज जो कार्यकर्ता चुनाव के प्रचार में लगना चाहिए थे वो सब किस काम में लगे हुए हैं कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए भोपाल में डटे हुए हैं। तो ये जैसा कि अभी हमारे इधर भाई बता रहे थे कि भोपाल में डेविड कंट्रोल के लिए बातचीत चल रही है, खुद सुरजेवाला लगे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ भी बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जिन जगह पे मुझे ये भी लग रहा है कि लगभग 4 से 5 जगह पे शाम तक टिकटों में बदलाव भी हो सकता है। और हमारे साथ कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी पर बात करने के लिए। अवनीश जी, हो क्या रहा है ये पार्टी में, इतना विरोध दूसरी सूची के बाद, क्या कर रही है पार्टी अब? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और हम तो कहते हैं हम जब 18 साल से सत्ता से बाहर हैं विपक्ष में, उसके बाद 230 विधानसभा सीटों पर अगर 4,500 बार डाटा हमको मिलते हैं तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस का जनाधार आज भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ा है। लेकिन हाँ, दूध की सरकार जो भाजपा ने बनाई, तो इस तरह की सरकार चल रही है जनतंत्र का गला घोंट कर। और आप देखें अगले 4 से 5 दिन में जो लोग भी असंतुष्ट लोग हैं उनसे बात चल रही है, बात करके सारा मामला शांत कर लिया जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसको अच्छी बात मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में आज भी जो 18 साल से विपक्ष है, फिर भी लोगों की, कार्यकर्ताओं की, जनता की इतनी आस्था है, उस पर इतना विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कई सीटों पर प्रत्याशी नहीं है, तभी तो इनको 3 केंद्रीय मंत्री, 6 सांसद उतारना पड़ रहे हैं, तभी तो उनको 81 साल के बुजुर्गों को और बेटे का टिकट काट के बाप को टिकट देना पड़ रहा है। बता रहा है कि भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं, कैंडिडेट है। अवनीश जी, लेकिन जिस तरीके से इतना विरोध पार्टी में हो रहा है, बहुत कहा गया था कि सर्वे कराया जा रहा है रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, मीटिंगों का दौर कई चला था, कांग्रेस की सूची जारी करने में इतना वक्त भी लगा था, फिर आखिर कहां चूक हुई जो इतना विरोध अब देखने को मिल रहा है? किसी नेता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के साथ जो धक्का मुक्की की, उनके गार्ड को फटक कर पीटा गया जबलपुर में। आप देखें बीडी शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, उमा भारती कुछ कहती हैं, केपी यादव सिंधिया जी को मनबुद्धि कहते हैं, तो विरोध प्रदर्शन उनके यहाँ। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय निरंतर अपनी बात। अनिल जी, अभी तो हम देखिए सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछे, जो विरोध इतना कांग्रेस पार्टी में दूसरी सूची के बाद हो रहा है, जो टिकट के दावेदार थे इतना हंगामा कर रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं टिकटों के बारे में विचार विमर्श दोबारा किया गया कुछ सीटों को लेकर, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वहां पर, उन सीटों पर कांग्रेस की गति बुरी होगी। कांग्रेस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, और ये जो भी लोग टिकट मांग रहे हैं उनका अधिकार भी है, जितने सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए तो ठीक है, उनसे मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में सारी समस्या हल हो जाएगी, जो असंतुष्ट लोग उनसे बात करके सब हल हो जाएगा। एक हफ्ते में सारी चीजों को, स्थिति को सामान्य कर लिया जाएगा। अवनीश जी, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, उसके लिए शुक्रिया। इजहार, आपका भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, और साजिद आपका, और देवश्री माली जी आपका भी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।